हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, काफी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, मुझे पता है, बट व्लॉग जो आने वाले हैं ना बहुत ज्यादा अमेजिंग और मस्त होने वाले हैं, क्योंकि मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी जा रहे हैं हम देहरादून शादी में। तो भाई चलते हैं, शादी की वाइब आने वाली है, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, ऐसा है कि देखो भाई, कुछ भी हो, पतंग और मान जो तो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो से हम कमा रहे हैं तो उनको तो भाई साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जॉब नहीं छोड़ सकते। तो जितने भी बच्चे होंगे देहरादून के, सबको भाई हम फ्री में पतंग देंगे। और यहाँ पे ये देखो, हमारा मांझा भी आ गया है, तो बाकी सारा सामान इसके बाद रखा जाएगा यहाँ पे, मतलब बैग वैग जितने भी आएंगे। नहीं भाई, सारा सामान लोड हो चुका है, डिक्की कर दिए बंद, ऑलराउंडर भैया सर की ब्रांडिंग तो है। और यहाँ पे देखो, मम्मी भी आ चुकी है, यहाँ पे मेरी सिस्टर भी आ चुकी है। और भाई अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, और कर 6 घंटे की ड्राइविंग है, और फिर आज तो है डीजे नाइट है, मतलब लेडी संगीत है, तो वो भी दिखाएंगे ना। तो चलते करते आज का टूर स्टार्ट। सो गाइस, अभी रुके, अभी ना जीजू और भी आ रहे हैं, तो उनकी कार भी जाएगी हमारे साथ। तो फिलहाल के लिए अभी तो भाई अमरूद खाए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है। और टाइम पता कितने बज चुके हैं, टाइम कितना हो गया भाई, 10 बज गए शायद। कितना टाइम हो गया, हाँ 10:31 हो गए, और अभी हम जीरकपुर में ही है, चंडीगढ़ भी नहीं क्रॉस करा। 3 घंटे का यहाँ से रास्ता दिखा रहा है अभी, 3 घंटे 36 मिनट का, तो डायरेक्ट देहरादून उत्तराखंड में पड़ जाता है ना ये वहाँ पे। सो भाई यहाँ पे चेक करो, दीदी जीजू आ चुके हैं, और यहाँ पे कौन आया है, बेबी भी आ गया। हेलो कद्दो, चलो 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 चलते हैं शादी में, फिर इंजॉय करते हैं। सो भाई पेट्रोल वेट्रोल तो सारा भरवा लिया है ना, अब चलते हैं फिर। अब भाई पहले हम मिले, ठीक है, उसके बाद हमने सबने इकट्ठे होकर पेट्रोल भरवाया, अब हम चलते हैं सीधा शादी में, शादी की वाइब करेंगे। चलो भाई बैठो, सवारी है, जल्दी बैठो यार। तो गाइस अभी रुके हैं, ठीक है, हमें भूख लग रही लगी थी, और मैंने कहा भाई जहाँ कुलचे छोले मिलेंगे वहीं खाएंगे, और ये वाले हमारे शहर में नहीं मिलते, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। खुशी कैसा लग रहा है, बहुत स्वाद है ना, ये वाले तो मेरे फेवरेट हैं। तो भाई अभी करता हूँ टेस्ट, फिर अभी तो 2 घंटे का रूट और पड़ा है, फिर वहाँ जाके तो खाएंगे खाएंगे, बट जो आपको पता ही है एक ट्रैवलिंग टाइम खाना होता ना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। गाइस मजा आ गया भाई खा के। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई ये वाले कुलचे छोले हमारे शहर में क्यों नहीं मिलते यार, कुलचे तो मिलते बट ये वाले नहीं मिलते है ना, जो मतलब रोटी टाइप के होते हैं, मजा आ जाता है। रोपड़ में देख रहा है ना कोई, तो भाई स्टार्ट करो, सबसे पहला ग्राहक मैं ही होऊंगा, मैं आऊंगा तो भीड़ भी बढ़ेगी। सो गाइस पहुंच चुके फाइनली भाई, और गाड़ी यहाँ पे आकर साइड पे लग भी गई, और यहाँ पे आज शाम को प्रोग्राम होगा, तो मम्मी और वहां से खाना ले रहे हैं, बाकी जीजू और मैं तो यहाँ पे खा रहे हैं आराम से बैठ के, खाएंगे पियेंगे थोड़ी रेस्ट करेंगे, फिर रिश्तेदारों से भी मिलाएंगे, फिर शाम को यहाँ पे डीजे नाइट होगी। सो गाइस यहाँ पे चेक करो, जीजू भी आ चुके हैं हमारे साथ, और भाई जीजू के भाई की शादी है कि नहीं है, तो चलते हैं। और बच्चे देखो यहाँ पे पतंग, तो आए हाय पार्थ पतंग उड़ाओगे, क्या बात है, मैंने बच्चों को आते सिर्फ पतंग दे दिया और बच्चे हो गए खुश। अब कह रहे भैया मांझा भी, तो मैंने इनको थोड़ा मांझा दिया था, अब चलो दूर ही उड़ाते पतंग ही उड़ाते, जो कहीं भी चले जाओ भाई पतंग तो मेरे साथ ही होते हो। देखो सब बच्चे लग गए यहाँ पे, शादी चल रही है, वो देखो सामने, वो देखो वहाँ सामने शादी चल रही है, पर हमें तो पतंगबाजी करनी, क्योंकि भाई कीर्तन चल रहा है, कीर्तन में तो लेडीज का ही काम है, हमारा तो कोई काम नहीं है। तो बच्चों के लिए तो यहाँ पे खेत वगैरह है ना, तो वहीं लगे हुए हैं। उधर 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 क्या हुआ बच्चे, आपको नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, हम दूसरा उड़ाते, ठीक है, आजा भाई। अरे यार भाई नीचे क्यों गिर गया, चल हम दूसरा पतंग उड़ाएं, आजा गाड़ी से और लेके आते हैं, आजा आजा आजा, हाँ भाई पार्क आजा भाई, हम उड़ाएंगे आजा। तो गाइस यहाँ पे हमारे चाचा जी भी आ चुके हैं, तो चाचा जी यहाँ पे पूरी देख रेख कर रहे हैं, है कि नहीं है, क्या क्या बन रहा है चाचा, ये बताओ क्या क्या बन रहा खाने में। चिली चिकन है। अच्छा चिली चिकन आया है, क्या बात है। चाउमीन है। अच्छा जलेबी है। ओए ओए ओए, जलेबी का तो यही लगा सेटअप है ना, क्या बात है। चिली चिकन तैयार हो रहा है, मतलब सब कुछ बना रहे हैं ना, टिक्की उट्टी सब हो गए, मतलब शाम का प्रोग्राम पूरा होने वाला है। तो भाई प्रेपरेशन यहाँ पे चल रही है, ये चेक करो सारा रॉ मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं, तो ऊपर तो कीर्तन हो रहा है, ठीक है। और भाई मुझे नींद आ रही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भाई 6 घंटे चंडीगढ़ से ड्राइव करके उसके बाद यहाँ पे आए, रास्ता ना ख़राब हो रखा था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो अभी हमने दोपहर का तो खा लिया, अब शाम की तैयारी है। सो गाइस यहाँ पे चेक करो, वहाँ पे भैया बैठे, भैया हाय कर दो, हाय शर्मा रहे हैं, यहाँ पे भी भैया हमारे हैं, भैया कुछ नहीं भाभी आ गई, अब तो आप कोई नहीं लड़की रिश्ता भेजेगी, हाय हाँ सोच समझ के करा, कहते हैं हाँ मेरी शादी हो रखी है, याद आ गया। तो यहाँ पे देखो भैया, ये भैया रानी बैठी है। तो भाई अभी वेट कर रहे शाम की पार्टी की, यार के मजे देखो, इधर भी खाओ उधर भी खाओ, हैं दिखाना भाई कहाँ पे रुकी है प्लेट। अच्छा भाई किसने, आपने मंगाया था क्या, मैंने। फिर ये तो सब खा रहे हैं, मैंने मंगाया है। ये इसके टायर कहाँ गए, बिना टायर की लैम्बोर्गिनी है, क्या बात है। ये देखो भाई इन्होंने इसका पतंग फिर से फाड़ दिया, तेरे पतंग है ना,
ओहो रो के आया, कहता भाई भैया चाचा मुझे पतंग चाहिए पतंग चाहिए पतंग चाहिए। तो फिर शाम को क्या क्या खाओगे पार्टी में ये बताओ, शाम को क्या क्या खाओगे? अरे मेरे जो मेरा जवाब तो दे दो, शाम को क्या क्या खाओगे? आप क्या खाओगे? है? मैं तो चिकन खाऊंगा। आए हाय मैं तो छोटे छोटे खाऊंगा। आप क्या खाओगे? ब्लैक पीस। आप क्या खाओगे? फ्रेंच फ्राइज। है फ्रेंच फ्राइज। कौन सी पास है? अच्छा फ्रेंच फ्राइज। अच्छा भाई ये क्या चल रहा है? भाई क्या चल रहा है ये? चावल खा रहे हो क्या? खाना खा रहे थे। पहले भाई जो फ्लिप करेगा उसको इसके सारे बिस्कुट मिल जाएंगे। मार के दिखाओ फ्लिप। नहीं हुआ बस भाई अगले की बारी। चलो अब आपकी बारी। चलो घुमा दो। चलो ओए ओए ओ भाई। पार्थ की बारी है। ले भाई। क्या बात है। देखो मम्मी तो जलेबियां लगी है रगड़ने के लिए। जलेबियों की चटनी बाहर निकाल दे। दीदी भी आ चुकी है। दीदी के देवर की शादी है। दीदी कितनी खुशी है। आए हाय ऐसे लग रहा है कुछ की शादी हो गई। यहाँ पे भी दीदी आ चुकी है। और गाइस हमें पिठाई लुक चुकी है। ठीक है 20 रुपए के तुरतरे खाएंगे गाइस। तुरतरे तो पक्के हो चुके हैं। ठीक है 20-20 करते करते 100-200 रुपए बन जाएंगे। मजा आएगा भाई। अब जाके कपड़े चेंज करूंगा तो यहाँ पे मेरी जीन्स आ गई और वहाँ पे मम्मी मेरी शर्ट रेडी कर रही है। और ये चेक करो मेरी टैग तो लगा ही होगा यार। नई खरीदी है। क्वालिटी क्या दिखानी। ब्रांड प्रमोशन नहीं करनी हमने किसी की। तो पहन तो यार मेरे तो ना बहुत ज्यादा सिर दर्द होने लग गया क्योंकि ड्राइव करके आए और उसके बाद आपको पता ही है माउंटेन्स पे तो गोल 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 गाड़ी। फिर उसकी वजह से ना अभी सिर से दर्द हो रहा। अभी देखते क्या बनता है धीरे धीरे। गाइस ये चेक करो भाई तुम्हारे भाई की आउटफिट कुछ ऐसी रहने वाली है। और ये मेरी आउटफिट रहेगी आज की। सो कुछ फंकी स्टाइल मुझे पसंद है तो मैंने वेयर कर लिया। ठीक है और मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं गाड़ी में बैग पड़ा वो भी मुझे लेके आना पड़ेगा। खुद तो कुछ कर नहीं रहे। कुली भी मुझे बना रखा है। ड्राइवर भी मुझे बना रखा है। व्लॉगर तो मैं हूं ही यार। देख गोलगप्पे पर गोलगप्पे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये चेक करो। पर थैंक यू यार मुझे देने के लिए। थैंक यू। लग रही है पूरी खबर ये शादी में आ गया ना खाने का दिल भी नहीं करना। देख गोलगप्पे पे गोलगप्पे गोलगप्पा वर्सेस गोलगप्पा। चाची भी आ चुकी। चाची सीधा नूडल की तरफ है तो नूडल का पूरा डोंगा भर लिया। ठीक है मैं भी ले लेता हूँ क्योंकि भाई मेरी बहन ने भी मौका नहीं छोड़ना कोई। थैंक यू मेरी बहन। गाइस खाने के लिए खाने के लिए यार कहती शक्ल वसूलना यार। ये देखो क्या बातें बोल रही है। एक तो म्यूजिक की वजह से ना भाई ऊंची बोलना पड़ता है क्योंकि भाई कॉपीराइट आ जाता है ना। तो खाने स्वादिष्ट तो काफी हो रहे हैं यार। ये देखना अकेली लगी हुई है भाई। शर्म तो नहीं आ रही। मम्मी और भी ज्यादा मम्मी पीछे खड़ी हो के खा रहे यार। कैसे है फर्स्ट चीज है भाई। मैंने तो चिकन खा लिया। ठीक है चिकन उनको ही मिलता जो समझ रहे हो। तो ये लोग तो वहां तक जा ही नहीं पा रहे। अच्छा बाकी बातें छोड़ो खाने की तरफ तो और ध्यान दो। इन मोहतरमा ने हमारा बैग ही लॉक कर दिया भाई। उसमें मतलब पिन लगा दिया। और शुक्र भाई मेरे कपड़े थे उसमें। कल शादी के कल ऐसे ही जाएंगे मतलब। खोलना कहते हैं मैं यूट्यूब पे ढूंढूंगी। खोलना पड़ेगा भाई। लड़कियों का एक फायदा होता है कि मतलब कि भीड़ में जाओ और फटाफट से लेके आ जाते हैं। देखो दही बल्ले भी आ गए। मम्मी यहाँ पर मैं बस खा। हाँ लहंगे पहन के भी जाना पड़ता है। फिर भैया को कहते हैं भैया मेरे सैया। कहता है भी लड़कियाँ खाती नहीं है। हाय हाय ये देखो यहाँ पे भाभी भी आए। लड़के की भाभी। अबे दूल्हे की भाभी। चली मैं। गाइस एक सेटअप तो मैंने तुम्हें दिखाया नहीं मेहंदी का। हाँ मेहंदी भी हुई है यहाँ पे भाई। और कल होगी हल्दी। तो हल्दी भी तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है तो अभी ना जो हमारे इधर का ना एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसे रिलीजियस चीज होती है मतलब जिसमें ढोल डमो क्या बोलते हैं हमारे इधर का मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है ना जैसे पंजाब का ढोल है तो हमारे इधर का ढोल डमो है तो वो बजा रहे हैं। तो वही दिखाता हूँ। डांस कर रहे हैं भाई काफी ज्यादा लड़के। तो दिखाता हूँ देखो ये सारे ढोल डमो पे नाच रहे हो पीछे डीजे पे थोड़े से बंदे।
और भाई साहब ये चेक करो क्या हो गया भाई, बोल नहीं रही थी बोलने लगी, क्या बात है, चेक कर रहे हो भाई पावर है। सो गाइस अब मैं कर रहा हूँ डिनर और यहाँ पे भाई मेरा डिनर आ चुका है और भाई उधर डांस हो रहा है इधर भी डांस हो रहा है भाई, मैं तो खाने की तरफ ध्यान देता हूँ। सो गाइस दूल्हे राजा से तुम्हें ऐसे मिलाना पड़ेगा दूर से, क्योंकि दूल्हे राजा को तो भाई इन्होंने अपने कंधों पे उठा रखा है। सो ये है दूल्हे राजा जिनकी हम शादी में आए हैं, ठीक है ये चेक करो भाई क्या बात है, लगे हुए हैं भाई क्योंकि डीजे हो चुका है बंद, अब टाइम हो गया ना तो अब तो ढोल ढमा भी बजेगा बस। सो गाइस मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे ये हो चुके स्टार्ट, अब खोल के ही सोना ठीक है भाई, बैग का लॉक लगा दी, यूट्यूब पे चेक कर रहे हाँ गाइस बैग पे लॉक लगा दी और कल के कपड़े सारे इसमें पड़े हैं, तो भाई कल मुझे नंगा नहीं जाना ठीक है, खोल के रखना। तो गाइस मिलते हैं तुम्हें अगले व्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।